अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी है। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी की भिखारी है। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी है। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये वोटों के भिखारी है। अपने मन से देखो तो संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। उसका कितना है ये कोई भिखारी, जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो। अरे चाचा तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी है। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ मालूम। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवायफ की तरह है, जो आज इसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। तो मोहब्बत से मीठा जरूर है, मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू, बहुत ऊंचा फलसफा है। और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रबू करने आया था, तेरी बदतमीजों को रबू नहीं कर सकता मैं, बचा रहा हूँ। अरे क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूँगा। ये मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? हम जैसे महान लोग जब आपकी मामूली सी नौकरी करते ना तो आपका हम पर नहीं बल्कि हमारा आपकी नौकरी पर एहसान होता है। आप इतनी सी तनख्वाह देते हैं, हम आपकी ऑफिस को इतनी सारी इज्जत देते हैं। फैसला सुनाएंगे, मेरे कानों को सुनने की आदत नहीं है, मेरी जबान को सुनाने की आदत है, समझे। और एक बात और, आप मुझको नौकरी से अलग नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं आपको मालिक बने से अलग कर रहा हूँ। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। दुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख प्यास गरीबी जुल्म मार सहते सहते बड़े होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में बारह में जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। इंस्पेक्टर साहब आप अपनी स्वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम, ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पढ़ने के लायक है। क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े होंगे? कसूर तुम्हारा नहीं है बेटे, मेरा है। मैंने कांटों को इज्जत की जमीन पर बोकर अपने खून से सींचने की कोशिश की थी, पर मैं भूल गया था कि कांटे सिर्फ जख्म दे सकते हैं, खुशबू नहीं दे सकते। जीते रहो बेटे।